वर्तमान में दो वर्ष में जिस तरह की कानून व्यवस्था रही है उससे राजस्थान में अपराधों में कमी आई है, अपराधियों के हौसले भी पस्त हुए हैं और अलवर जिला में भी निश्चित तौर पर, क्योंकि हम रोजाना इस चीज़ को फेस करते हैं, मैं मुख्यालय का विधायक हूँ अलवर का, तो हम रोजाना देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, अपराधियों का मनोबल टूटा है। इसको लेकर मेरा जो प्रश्न था उसको लेकर कांग्रेस वो हल्ला कर रही थी। आंकड़ों के खेल में कोई जाएगा तो उस बहस में पड़ने को फायदा नहीं है। आंकड़े जगलरी करते रहते हैं और आंकड़े बन के ऐसे आते रहते हैं। सवाल ये है कि कैसे गंभीर अपराध हुए राजस्थान के। कल की घटना है जोधपुर जिले की, वहाँ पर रास्ते में रोका एक नौजवान को, इनोवा गाड़ी छीन ली और भाग गई, आज तक पता नहीं लगा है। कल की घटना है, बलात्कार बच्चों के साथ हो रहे हैं, डकैती हो रही है, और तो और सरकार के नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे जयपुर के अंदर जब डकैती हुई थी तो रात को बलात्कार भी हुआ महिला के साथ में, उसके पति के सामने, क्योंकि शिशुर को बंद करके रख दिया कमरे के अंदर, वो भूल क्यों जाते हैं। तो अपराध की जो गंभीरता कैसी है उस पर पोस्टमार्टम होता है। FIR दर्ज करने की जो तानाशाही पुलिस प्रशासन की है वो 50% मुकदमे तक की FIR दर्ज करने की कोशिश नहीं करती, उसके बाद 18% तो स्वयं गृह मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि कोर्ट के इस्तगासे के माध्यम से हमारे पास मुकदमे दर्ज होकर आते हैं। ये हालात 18% इस्तगासा होना पुलिस पर कितना सवालिया निशान है। ऐसे लोग भी हैं जो इस्तगासे के माध्यम से वकील का पैसा वहन नहीं कर सकते और वहाँ तक अपनी पहुँच नहीं कर सकते, इस कारण से अपराधों की संख्या में नहीं, अपराध के नियंत्रण का खोप जनता में कहीं पुलिस प्रशासन का या सरकार का नहीं दिख रहा है। तमाम सवाल हमारे सामने हैं। नंद किशोर जी, आपका रुख करना चाह रहा हूं कि जो अभी मनोज न्यांगली बोल रहे थे, क्या इस बात में सच्चाई है? पुलिस के जो डाटाज हैं आम आदमी कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता, हो सकता है इसलिए कम हो रहे, FIR ठीक से दर्ज नहीं हो पाती, इसलिए जो क्राइम के आंकड़े हैं उन पर कंट्रोल करके बात यहाँ पर गृह मंत्री बोलते हैं। देखिए, सरकार की जो नीयत है सुशासन लाने की, वो सुशासन तब जनता मानेगी कि उनको कोर्ट में FIR दर्ज कराने के लिए नहीं जाना पड़े। आज जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन FIR दर्ज करने की हम कोशिश कर रहे हैं और शुरुआत करेंगे, बड़ी अच्छी बात होगी। आज अगर एक महिला के साथ कोई अपराध होता है और उसको फिर थाने जाने पड़ता है FIR दर्ज कराने के लिए, तो वो भी उसके लिए एक अपराध जैसा ही हो जाता है। बड़ा मुश्किल है FIR दर्ज कराना, फिर दोबारा जाना, तिबारा जाना, फिर बड़े अफसरों से मिलना, फिर जांच नहीं हो पाती, जांचें चेंज कराना, तो वो भी अपने आप में एक अपराध से ही उसके साथ हो जाता है। जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, ऑनलाइन FIR लोग दर्ज करा सकें, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, काम चलता रहेगा, लेकिन कोर्ट में जाना पड़े फिर FIR दर्ज करानी पड़े, ये आप मानते हैं कि ऐसा होता है आपके क्षेत्र में? ऐसा होता है पुलिस FIR दर्ज कराने वालों को लौटा देती है? बिल्कुल होता है, 20% से ऊपर हमारे यहाँ इस्तगासे से 153 वो कौन सी धारा होती है 156(3) उसके तहत दर्ज कराने पड़ते हैं। अभी एक मामला था कि मृत व्यक्ति की रिपोर्ट भी पुलिस ने नहीं ली कि भाई ये मर गया बलो छोटी गाँव का, अब तक नहीं ली, इसलिए 15 दिन से। रमेश मीणा साहब, आपका भी तजुर्बा पुलिस को लेकर इसी तरह का है, खासतौर पर FIR को लेकर अभी बात करना चाहूंगा मैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और ये जो कटारिया जी कह रहे हैं कि भाई अपराधों में ग्राफ घटा है, तो इन्होंने अपने आंकड़ों में 14 से 15 में अपराध घटाया है, लेकिन जब हम 2013 से और 2015 का कंपैरिजन करें तो प्रतिदिन 4 से 5 हत्याएं हो रही हैं, 10 से 11 बलात्कार हो रहे हैं, 15 अपहरण हो रहे हैं, 15.25 के करीब। कटारी साहब एक बात बोल रहे थे कि मैं सबकी कुंडली लेकर चलता हूं, तो उसका क्या मायना है? कुंडली क्या है, इसको क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, बताने क्या चाह रहे हैं बात, कटारिया जी तो कुछ भी कह दें, कटारिया जी के मायने क्या है बातों के? कभी कटारिया जी ने कहा कोई कानून तोड़ता है तो उसको उल्टा लटका दो, कोई पेड़ पे चढ़ जाए अगर मर जाए तो मैं क्या करूं? कभी कहते हैं 44,000 गांव है, 70,000 पुलिस है, मैं क्या कर सकता हूं? कभी यही कमिश्नरेट में जब मीटिंग होती है तो अधिकारियों कहते हैं मुझे पता है भूमियों का भूमाफिया बने हुए हैं पुलिस अधिकारी, तो कोई कभी स्वीकार करते हैं, कभी अपनी ईमानदारी की बात करते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज है आपके। कंफ्यूज क्या है, गृह मंत्री को जो ऑफिसर्स जो डाटाबेसेज तैयारी करवा के बुलवा देते हैं, तो पुलिस कभी कहते हैं पुलिस अच्छी है, कभी पुलिस को कहते हैं पुलिस बड़ी खराब है, कभी कहते हैं मैं आनंद इस आनंद पाल को लेकर के आनंद पाल ही बन गया हूँ, मैं अपराधी हो गया हूँ, मैं जेल में रह चुका हूँ, मुझे पता है कि जेल कैसी होती है, वो पकड़ा जाएगा, तो इस तरह के बयान ये गृह मंत्री देता है तो राजस्थान की जनता देख रही है, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है गृह मंत्री को इस तरह के वक्तव्य देना।
दो दर्शक हैं, मैं उनके बाद आहूजा साहब आपके पास में आ रहा हूँ। एवी चौधरी साहब कोटा से और विजय सोनी जी जयपुर से हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्ते सोनी सर, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं सर। ये जो आंकड़े पेश किए जाते हैं तो आंकड़ों में कोई दम तो होता होगा। जैसे मान लो आज किसी थाना के क्षेत्र में हत्या हुई। आप कोटा से हैं, कोटा को लेकर क्या तजुर्बा, आपको लगता है कि अपराध कम हुआ है? नहीं, अपराधों में तो कमी आई है सर। जैसे मान लो हत्या हुई तो हत्या का तो मुकदमा जस्ट दर्ज करना ही पड़ेगा ना, दिसंबर हो चाहे जनवरी हो। डकैती हुई तो डकैती का मुकदमा भी दर्ज करना पड़ेगा जी। इसका मतलब इनमें तो कमी आई है, लेकिन एक चीज जरूर है कि पुलिस में, थानों में पुलिस वालों की संख्या कम है और हर थाने में 5 होमगार्ड को जो है लगाया जा रखा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय सोनी जी नमस्कार। फिलहाल दर्शक डिस्कनेक्ट हो गए। बनवारीलाल सिंगल साहब कह रहे थे एक तरफ तो अलवर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, गृह मंत्री से सवाल करते हैं, दूसरी ओर खुद कह रहे थे कि हाँ मैं मानता हूँ अपराध कम हुए। ये क्या पशुपेश वाली स्थिति है आहूजा साहब? ऐसा है कि जहाँ तक मैं खुद अलवर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट इस समय मेवात के अपराधों के कारण, सिंगल साहब को सुना था आपने, वो कह रहे थे कि मैंने सवाल लगाया गृह मंत्री से, पूछा कि अलवर में अपराधों की स्थिति क्या है, इसका क्या मतलब है? वो अलवर में अपराधों को लेकर ये तो साफ नहीं था कि भाई अपराध बढ़े हैं या कम हुए। कम हुए, मैं तो कहता हूँ 70% कम हुए हैं। फिर सवाल लगाने का मतलब क्या हुआ? सवाल तो इसलिए लगाया उन्होंने होगा उस समय, कानून और व्यवस्था की पोजीशन क्या है। हमारे 18 इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण से लूटपाट कुछ ज़्यादा थी। रास्ते में जैन मंदिर, डेरा जैन मंदिर का दिल्ली से या हरियाणा से जो यात्री आते थे उनको लूटते थे मेवात में। मेवात की एक गैंग थी और उस गैंग पालघर की गैंग थी, पालपुर की गैंग थी और कई गैंग थी। उन चारों गैंग को गिरफ्तार किया गया और व्यक्तिगत लुटेरों को भी गिरफ्तार किया गया। हमारे एक टटरू चलता है सोने की नकली ईंट, वो बड़ा अपराध है अलवर ज़िले का, वो पूरे देश में फैला और सिंथेटिक दूध का दो काम का, उसमें 70% कमी आई है। ये लेकिन अशोक गहलोत बोल रहे थे गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में इजाफा हुआ है, लूट की वारदातों की बात कर रहे थे, हत्या की वारदातों की बात कर रहे थे, सामाजिक उत्पीड़न की बात कर रहे थे, इनको लेकर बेखौफ है। आए दिन सीसीटीवी फुटेज आती है, 2 दिन पहले राजधानी में एक शख्स को शाम के वक्त भरे बाजार गोली मारकर 29 लाख रुपए के जेवर लूट लिए गए। आहूजा साहब ऐसा है कि गहलोत साहब को तो यही कहना चाहिए और ये जयपुर में जो वारदात हुई है ये उनके निकट के ही लोगों के द्वारा ही ये अपराध माना जाएगा। ऐसे आरोप मत लगाओ, आहूजा साहब ये आरोप मत लगाओ, ये सब यही कहना चाहिए। मैंने कहा अशोक गहलोत अपराधी में रहने के कारण से उनका नजर, अब खुद का शासन होता, खुद का शासन होता और हत्या और बलात्कार लूट होती तो वो उसको इनकार करते। अब विपक्ष में है तो उनको यही कहना चाहिए, मेरा उन पर आरोप नहीं है। मिलाकर मैं ये मानूं कि कांग्रेस ने आज नौटंकी की, आपके मुताबिक विधानसभा में जो हंगामा हुआ वो सिर्फ इसलिए था कि ये विपक्ष में है और गृह मंत्री का विरोध करना था। बिल्कुल, गृह मंत्री जैसा ईमानदार मिनिस्टर नहीं है और ईमानदारी के साथ पुलिस को साथ लेकर के, पुलिस का पूरा जाब्ता साथ लेकर के वो ईमानदारी से अपराधों में कमी आई है और मेरे जिले में तो 70% तक कमी आई है, ये मेरा दावा है। मेरे ख्याल से दर्शक बता देंगे कि क्या सूरत हाल है। फिलहाल मैं आपका रुख करना चाहूंगा अग्रवाल साहब, आप बता दीजिए कि एफआईआर को लेकर जो नजरिया है, सवाल क्यों खड़ा हुआ? सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि ये सिर्फ राजस्थान का विषय नहीं है एफआईआर। एफआईआर एक नेशनल सब्जेक्ट है और ये प्रश्न हर, चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ का विपक्ष भी यही बात कहता है अगर आंकड़े अपराध के तौर पर कम हुए हैं किसी भी स्टेट में। मूल बात यह है कि जैसे शेखावत जी कह रहे थे कि प्रिवेंटिव एक्शन, क्या आपको लगता है कि इस्तगासे के जरिए मामले दर्ज कराने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, साल दर साल वो संख्या बढ़ती जा रही है? जरूर, बिल्कुल बढ़ती है। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरतती है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब ये कम्युनिटी पॉलिसिंग पे काम कर रही है पुलिस, उसमें क्या है कि जो छोटे अपराध होते हैं 107 110 जो विवाद वाले, उनको वो रोजनामचे में दर्ज करती है पुलिस, लेकिन वो एज एन एफआईआर कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझने की जरूरत और है। ये आंकड़ों का हेर फेर है जो गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया विधानसभा में रख रहे हैं, वो दूसरा एफआईआर अलग दर्ज हुई और रोजनामचे में जो दर्ज हुआ उस परिवर्तन को, परिवाद को अलग रख के दिखाया गया आंकड़ा, परिवाद को अलग रख के मामला दिखाया गया, स्थिति तो स्पष्ट हो गई, अपराध तो कम नहीं हुए, थाने पहुंचने वालों की संख्या बढ़ रही है, कोर्ट जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब वो अपराधों को जब तक आप दूर श्रेणी में नहीं रखेंगे तब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी।
हत्या तो हो सकता है कि कांग्रेस ने इसी बात पर एतराज किया हो कि गृह मंत्री पहले के जो आंकड़े हैं उनमें परिवाद को अलग नहीं, ये कांग्रेस को भी समझना है, ये रिकंसिलिएशन का मैटर कांग्रेस को भी समझना है। हाँ एक बात है जो कांग्रेस के पक्ष में मैं जाति में बोलना चाहता हूँ वो ये है कि 2015 में जो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे थे चोरी वाले आंकड़े, हाँ जो थ्रेप्ट एक ऐसा विषय है जो बड़ी प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आप करते हैं तो थ्रेप सबसे पहले रुकता है, तो थ्रेप्ट के आंकड़ों में थोड़ा कमी उस तरह से नहीं है जिस तरह से और आंकड़े। बिल्कुल बिल्कुल, एक दर्शक हमारे चैनल पर पहुंचे थे, उन्होंने श्री माधोपुर में अपने घर में चोरी का हवाला देते हुए पुलिस पर इल्जाम लगाया कि जांच का काम उस अधिकारी को सौंप दिया गया जो 5 दिन बाद ट्रेनिंग पर जाने वाला था, तो ऐसे में क्या सूरत हाल होते हैं, लापरवाही किसकी होगी? शेखावत साहब क्यों लोगों को बड़ी संख्या में कोर्ट की ओर रुख करना पड़ रहा है? ऐसा इसके दो कारण हैं। एक तो क्या है कि जो आजकल आपके व्हीकल जो लोन देते हैं, व्हीकल लोन की रिकवरी के लिए जो प्रयास किए जाते हैं और उसमें अगर व्हीकल लोन की रिकवरी नहीं होती तो उसको जो वकील वगैरह मिलके और 156(3) में उसको 420 के अंदर कन्वर्ट करके और पुलिस के जरिए वो रिकवरी कराने का प्रयास करते हैं। एक तो इस तरह के जो मुकदमे हैं वो बढ़ रहे हैं, सिविल नेचर और क्राइम जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसमें कोई बहुत ज्यादा 420 में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं। रमेश मीणा साहब ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, बोल सकते हैं अगर कहीं ऐतराज वाली बात हो तो 156(3) में ज्यादातर वो मुकदमे जा रहे हैं जो पुलिस उनको प्राथमिक दृष्टिया ये मानती है कि सिविल नेचर के मामले हैं और उनको मना कर देती है। मना कर देती है तो वो लोग हैं जो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में 156(3) के अंदर पुलिस को मजबूर करते हैं कि इस मुकदमे को दर्ज करें और दर्ज करके और जो पैसे की, इसके बाद क्या होता है कि जो भी एजेंसीज होती है जो लोन देती है जो ही मुकदमा दर्ज होता है आपके मुताबिक ईमानदारी से काम चल रहा है राजेंद्र जी? हाँ पुलिस का कामकाज तो देखो मैं इसको यही मानूंगा कि ईमानदारी से चल रहा है, है ईमानदार। इसके बारे में सब जनता जानती है, आप बोल रहे हो नहीं यहाँ पर चैनल पे तो जनता भी देख रही है, आप सत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो। ऐसा है देखिए जो ईमानदारी और बेईमानी के जो प्रश्न है वो समाज से जुड़े हुए, वो पुलिस अलग नहीं है, उसमें समाज से जुड़े हुए विषय है, वो उसमें राजनेता भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, व्यापारी भी शामिल है और समाज का हर जो वर्ग है उससे जुड़ा हुआ आदमी शामिल है उसमें। आप खाली अकेले पुलिस के लिए ये नहीं कह सकते। सवाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर ही तो हुआ आज कि पुलिस की कार्यशैली सवालों में है क्योंकि पुलिस एफआईआर वक्त पर दर्ज नहीं करती, लोगों को कोर्ट का रुख करना पड़ता है, अपराध कम हुए कि नहीं हुए सवाल इसी बात का है। राजनीति होती है, चुनाव लड़े जाते हैं, आरोप लगते हैं। आनंद पाल सिंह का मसला कमजोर नहीं है, 1 साल हो जाएगा सितंबर में, लेकिन क्या आनंद पाल सिंह पुलिस के हाथ आएगा सवाल इसी बात का है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। गंभीर अपराध क्या बढ़े हैं राजस्थान में, सवाल छोटे मोटे अपराधों का नहीं, ब्रेक के उस पर। कंट्रोल करने के लिए ये वसुंधरा जी साहब कहिए कि जयपुर में बैठ के नहीं होगा, ये आपको यहीं पे आके डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा पुलिस को और सब जगहों को, तब जाके इसके ऊपर कंट्रोल होगा। अगर जब तक क्लास के अंदर में टीचर नहीं होगा तो बच्चे तो उत्पाद मचाएंगे ही मचाएंगे, तो हमारा उनसे अनुरोध है कि यहाँ पे एक प्रशासनिक अधिकारी या सीनियर जो ऑफिशियल है उनको यहाँ पे बुलाया जाए और वो खुद यहाँ पे 15 दिन बैठे हैं जैसलमेर बाड़मेर में, तो अपने आप ही यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल होगी और तो उनको ये समझ में आएगा कि क्राइम कितना है और उसको कम कैसे किया जा सकता है। राजस्थान के गृह मंत्री जी का दावा है कि जो राजस्थान के अंदर क्राइम कम हो रहे हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दिनों दिन राजस्थान के अंदर क्राइम बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन घटनाएं होती जा रही है, अभी तो हाईवे के ऊपर भी आप देखिए लूटपाट चालू हो गई है, तो पुलिस और सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान देंगे और ये जो हाईवे के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको भी आप कंट्रोल करें।